हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दिस HTML सीरीज। क्या आप भी खुद की वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो? क्या आप भी खुद के वेब पेजेस को क्रिएट करना चाहते हो? क्या आप भी HTML का कोड लिखना चाहते हो? तो ये सीरीज आपके लिए है। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा HTML। हम HTML के हर एक टैग एंड एट्रीब्यूट के बारे में डिटेल में जानेंगे अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं HTML के हर एक कंसेप्ट को कवर करने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम जो कोड है HTML का वो अपने हाथों से लिखेंगे, कोड को कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है और प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस सीरीज में सक्सीड हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो HTML सीखने से पहले जान लेते हैं कि HTML क्या होता है। व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डिफरेंट होती है। एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम टेक्स्ट को एंड मल्टीमीडिया कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस का यूज वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए होता है और HTML उनमें से ही एक है। HTML इज टोटली बेस्ड ऑन हाइपर टेक्स्ट। तो ये हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट होता है जिसमें लिंक होती है एंड उस लिंक को हम कहते हैं हाइपर लिंक। जब भी आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको रिडायरेक्ट किया जाता है किसी दूसरे वेब पेज पे। एग्जाम्पल, अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं और किसी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा किसी नए वेब पेज पे, तो समझ लो कि आपने हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक किया है। तो हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट होता है जिसमें लिंक होती है और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको नया वेब पेज दिखाई देता है। तो हाइपर टेक्स्ट का यूज करके हम दो और मोर वेब पेजेस को एक दूसरे से लिंक करा सकते हैं, तो इससे ब्राउजिंग का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और ब्राउजिंग करने में मजा भी आएगा। तो HTML हाइपर टेक्स्ट पे पूरा बेस्ड है। हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट होता है जिसमें लिंक होती है एंड मार्कअप लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम टेक्स्ट को एंड मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक ऑडियोज, वीडियोज एंड इमेजेस को फॉर्मेट कर सकते हैं। HTML में बहुत सारे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स हमारे वेब ब्राउजर को बताते हैं कि जो कंटेंट है उसको कैसे डिस्प्ले करना है एंड उनका मीनिंग क्या है। तो ये एक तरीका होता है अपने वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देने का। तो HTML का यूज करके हम वेब पेजेस बना सकते हैं। यूज ऑफ HTML। HTML का क्या यूज है? HTML का यूज वेब पेजेस को क्रिएट करने में होता है। HTML का यूज करके हम वेब पेजेस डेवलप कर सकते हैं। HTML का यूज वेब एप्लीकेशंस में फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए होता है। तो विदाउट HTML हम वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप नहीं कर सकते। HTML एक तरीका होता है जिससे हम हमारे वेब पेज को डिस्क्राइब करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं यूजिंग वर्ड्स, दैट इज कोड। जनरली HTML का यूज CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ होता है। जब आप सिर्फ HTML लैंग्वेज का यूज करके वेब पेज को क्रिएट करते हो तो वो अगली पेज बन जाता है। वो कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देता, उसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं। तो अट्रैक्टिव वेब पेजेस को बनाने के लिए CSS का यूज होता है। तो CSS का यूज हम HTML के साथ करते हैं फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव वेबसाइट्स। एंड जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं HTML के साथ तो जो हमारी वेबसाइट है वो इंटरैक्टिव एंड डायनामिक बन जाती है, तो यूजर उस वेबसाइट के साथ इंटरैक्शन कर सकते। तो ये Amazon का वेबसाइट है। ये वेबसाइट इंटरैक्टिव एंड डायनामिक वेबसाइट है। तो HTML का यूज करके हम सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। जब हम HTML का यूज CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं तो हम अमेज़न जैसी डायनामिक वेबसाइट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक टेक्स्ट होता है, जब आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको नया वेब पेज दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट है, लैपटॉप्स। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे नया वेब पेज दिखाई देगा। तो ये जो लैपटॉप था वो हाइपर टेक्स्ट था। ये जो पूरा है ये एक वेब पेज है। तो एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं, तो वेबसाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं
एज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो इसका इस वेबसाइट का सोर्स कोड देखने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको सोर्स कोड दिखाई देगा। तो ये HTML में है। HTML के सिवा हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो हर एक वेबसाइट में HTML होता ही है। अगर आप HTML सीखते हो तो आप खुद की स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो, और अगर आप इंटरैक्टिव एंड डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको CSS एंड जावास्क्रिप्ट भी सीखने पड़ेगी। तो चलिए हम फिलहाल के लिए HTML सीखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक